जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समाज की एक ऐसे रूढ़िवादी धारणा के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप जरूर कहेंगे कि ये गलत है और ये समाज की बहुत बुरी आदत है। और वो धारणा है लड़के और लड़कियों में फ़र्क। जी हाँ दोस्तों, ये समाज लड़के और लड़कियों में इतना फर्क करता है कि इसे देखने के बाद मेरा दिल बैठ जाता है। जानते हैं कि समाज में कैसी धारणा है कि लड़के आगे चल के मेरे जीवन का सहारा बनेंगे और लड़कियां ये तो ससुराल चली जाएगी, ये हमारी सेवा कहां से करेगी। लेकिन वे लोग ये नहीं जानते कि समाज के यही लड़के आगे चल के उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आज हमारे समाज में शिक्षा में भी वही भेदभाव दिखाई देता है कि लड़के पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे और लड़कियों का क्या है, वो कितना भी पढ़ लिख लें आखिरकार अंत समय में उन्हें अपने ससुराल में लोगों की सेवा ही करना पड़ेगा। यहाँ शिक्षा में भी वही भेदभाव दिखाई देता है जिससे यही साबित होता है कि हमारा समाज लड़कियों पर कितना जुल्म ढाता है। हमारा समाज उन्हें मानसिक रूप से भी लड़की या लड़का बना देता है दोस्तों, मानसिक रूप से भी। बताइए आप जानते हैं कि वो कैसे होता है। अगर एक छोटा लड़का कहीं गिरकर रोने लगे तो उन्हें ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि तू एक लड़का है, तू शेर है, तू नहीं रो सकता, तू चुप हो जा। और वहीं अगर लड़की गिर जाए तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है कि तू शेरनी है, तू नहीं रो सकती, तू चुप हो जा और उठ खड़ा हो और आगे बढ़। जब लड़की रोने लगे तो ऐसा कुछ भी संतावना नहीं दिया जाता है दोस्तों कि वो आगे बढ़ सके और उसका मनोबल ऊपर हाई लेवल तक पहुंच सके। उन्हें बचपन में ही ऐसे खिलौने दिया जाता है जिससे ये साबित हो जाए कि ये लड़की है और ये लड़का है। बचपन में लड़कियों के लिए गुड़िया, सजने संवरने के सामान या खाना बनाने के लिए छोटे छोटे गैस चूल्हा बर्तन आदि खरीद दिए जाते हैं। और वहीं लड़का को खेलने के लिए कार, हेलीकॉप्टर, जहाज, तोप जैसे खिलौने खरीद दिया जाता है उसे खेलने के लिए। यहाँ पर भी लड़के और लड़कियों में साफ फर्क देखा जा सकता है दोस्तों, साफ देखा जा सकता है। क्या लड़कियाँ जहाज, तोप और कार से नहीं खेल सकती? क्या लड़के ही केवल समाज कार और तोप और हेलीकॉप्टर से खेलने के लायक हैं? क्या लड़कियाँ उसके काबिल नहीं हैं? लेकिन मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, ये समाज का रूढ़िवादी धारणा हमारे लड़कियों को कैसे पीछे धकेल रहा है। लेकिन ये भी कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे हमारा समाज बदल भी रहा है, धीरे धीरे लड़कियों को वो मौका दिए जा रहे हैं जो लड़कों को दिए जाते थे, और जो लड़कों को दिए जाते थे वो लड़कियाँ भी धीरे धीरे आज कर रही है, जिसके कारण हमारा समाज एक विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये किस कारण से साबित हुआ है और ये किस कारण से संभव हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये संभव हुआ है तो केवल और केवल जागरूक नागरिक की वजह से। हमारे देश में धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है और धीरे धीरे हमारा देश जागरूक की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है और ये बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए कि हमारा समाज धीरे धीरे ये रूढ़िवादी धारणा जो समाज को पीछे की तरफ धकेल रही है उसको सहा है और हमारा समाज इसे समाप्त करके कैसे आगे बढ़ रहा है वो हमें उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारा जो देश है उस देश में महिला पायलट बन रही है, महिला आर्मी में जा रही है, महिला एयरफोर्स, महिला नेवी में जा रही है, महिला बैंक के मैनेजर बन रही है।